इज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जे जे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूं जितेश। तो भाई आज वाली वीडियो हमारे चैनल के सबसे डिफरेंट वीडियो, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं भाई कैसा क्या रिस्पांस दिखाते हो आप लोग। तो भाई आप लोगों ने कैप्शन पढ़ी लिया है, भाई आज हम ट्राई कर रहे हैं ड्रैग रेस अपनी नेक्सॉन ईवी मैक्स वर्सेस थार डीजल ऑटोमेटिक। तो ये हमारा 2.2 लीटर का डीजल इंजन है और ये हमारे इलेक्ट्रिक मोटर है, अपनी 40.5 किलोवाट की मोटर है। ये प्रोड्यूस करती है लगभग 143 पीएस और ये प्रोड्यूस करती है लगभग 130 पीएस। इसके टॉर्क की बात करें तो 250 एनएम का टॉर्क देती है और ये हमारे लगभग 300 एनएम का टॉर्क देती है। तो दोनों ही गाड़ियाँ आजकल बहुत इन हैं, मैंने सोचा भाई एक बार ड्रैग रेस देखते हैं कौन सी क्या जीतती है। तो दोनों ही गाड़ी का हम ड्रैग रेस करेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं वो भी हम ट्राई करेंगे। इसमें हमारा नॉर्मल एक ही मोड है जो नॉर्मल डी मोड होता है, वो भी ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई अभी से लाइक कर दो अगर आप लोग एक्साइटेड हो, क्योंकि भाई हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी लगभग 46 टेम्परेचर हो रहा है, 46 टेम्परेचर में हम ये शूट कर रहे हैं। तो अभी भाई लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए हो। तो फटाफट करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कौन जीतता है इसे। तो भाई सबसे पहले राउंड वन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी थार है जो हमारी 2.2 लीटर एमओक इंजन है जो प्रोड्यूस करती है 130 पीएस और लगभग 300 एनएम का टॉर्क। और एक तरफ हमारे पास नेक्सॉन ईवी है जो प्रोड्यूस करती है 143 पीएस का पावर और साथ में जो टॉर्क है वो लगभग 250 एनएम का टॉर्क है। दोनों ही गाड़ी का एसी हमने ऑन रखा है। यहाँ पे अभिषेक भाई ड्राइव कर रहे हैं, अभिषेक भाई हारना नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, एसी ऑन है इस गाड़ी का। और यहाँ पे हमारे साहिल भैया ड्राइव कर रहे हैं, साहिल भैया से आप बहुत टाइम पहले मिले होंगे। तो साहिल भैया इको मोड पे ड्राइव कर रहे हैं अभी हम। देखो भाई यहाँ पे इको मोड पे ड्राइव कर रहे हैं। तीन राउंड करेंगे, इको, सिटी और स्पोर्ट्स, ठीक है। और इसका भी एसी ऑन है, दोनों गाड़ियों का ऑन है। मैं यहाँ पे बीप कर दूंगा तो जब जाके थोड़ी सी आगे कर लो साहिल भैया ये बस। सो ऑन अ गो ऑफ 3-2-1 जाएगी गाड़ी, देखते हैं भाई क्या रिजल्ट रहने वाले हैं नेक्सॉन ईवी वर्सेस थार। सो 3-2-1 गो। भाई इको मोड पे तो थार आगे निकल गई, थार ने पीछा छोड़ दिया नेक्सॉन का, दूर तक पकड़ में ही नहीं आई है नॉर्मल इको मोड पे। अभी राउंड वन था और राउंड वन के जो हमारी विजेता है वो थार है। एक बारी वापसी आने देते हैं, फिर राउंड टू करते हैं सिटी मोड पे और दोबारा से राउंड थ्री करेंगे फिर स्पोर्ट्स। तो भाई हमारी दोनों गाड़ियां दोबारा से पोजीशन पे है, नेक्सॉन ईवी और थार डीजल ऑटोमेटिक। तो इस बारी देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। पहली बार तो हमारी बेचारी नेक्सॉन ईवी हार गई है। साहिल भैया हार कैसे गई हमारी भाई, यही को मोड पे था भाई, बैटरी वाली गाड़ी है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस बार ये स्पोर्ट्स मोड पे ड्राइव कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो रेड हो चुका है, स्पोर्ट्स मोड पे इसे ड्राइव कर रहे हैं हम। और अभिषेक भाई पिछली बार तो ईवी दिखी ही नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार ही देखते हैं, बच के रहना, स्पोर्ट्स खतरनाक है उसका। तो भाई इस बार दोनों एसी ऑन है और दोनों गाड़ियों को दोबारा से एसी ऑन है। तो दोबारा से ऑन द बीप ऑफ थ्री ये दोबारा से ड्राइव करेंगे, देखते हैं हम कौन जीतेगा। 3-2-1 गो। भाई इसका तो व्हील स्पिन आ रहा है और भाई इस बार नेक्सॉन आगे निकल गई। तो जैसे मुझे उम्मीद थी इस बार नेक्सॉन जीतेगी और नेक्सॉन इस बार आगे निकल गई। देखो तो थार को इस बार पीछे छोड़ दिया, स्पोर्ट्स मोड पे नेक्सॉन ईवी जीत गई। अब एक बार लास्ट राउंड और ट्राई करते हैं, एक बार ड्राइवर चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई अब बारी है राउंड थ्री की। तो अभी हमने क्या करा है, हमने ड्राइवर्स एक्सचेंज कर दिए हैं। नेक्सॉन ईवी में अभिषेक आ चुका है और अभिषेक ड्राइव कर रहा है। तो अभिषेक कौन से मोड पर ड्राइव कर रहे हैं हम? स्पोर्ट्स पे। तो भाई देख लो ये रेड हो चुका है, स्पोर्ट्स मोड पे ड्राइव कर रहे हैं। साहिल भी अपनी थार पे आ चुके हैं, इस बार देखते हैं भैया कौन जीतेगा। पिछली बार तो नेक्सॉन जीत गई स्पोर्ट्स मोड पे। और भाई इसका एसी अभी भी ऑन है और उसका भी एसी अपना ऑन है। तो देखते हैं लेट्स सी। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं भाई हम बिल्कुल प्रिकॉशंस में कर रहे हैं, कोई भी नहीं है। मैं रोड भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल खाली रोड है और दोपहर के भाई लगभग 2 बज रहे हैं जब हमें शूट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ट्राई मत करना इसे, बस ये फन पर्पस के लिए और एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। तो ऑन द क्लिक ऑफ थ्री करते हैं दोबारा से, ठीक है। 3-2-1 गो। भाई स्टार्टिंग में तो थार जीत गई आगे और बिल्कुल टक्कर है, और आखिरी में लगभग मेरे साथ 70 या 80 स्पीड के बाद नेक्सॉन ने क्रॉस कर लिया। बट लगभग 60 स्पीड तक दोनों बराबर थी और जो अपनी थार है वो काफ़ी हद तक उसने अपना मुकाबला दे दिया, टक्कर दे दी थी। तो भाई तीन राउंड करे हैं, तीन राउंड में इको मोड में तो हमारी जो नेक्सॉन थी वो हार गई थी और बाकी के दो राउंड में हमारी जो थार है वो हार चुकी है। तो भाई इसका स्पोर्ट्स मोड बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही बढ़िया चल रही है। बाकी थार ने भी दोबारा से टक्कर दी है और गाड़ी आ रही है। तो एक बार आने देते हैं फिर हमारे जो विजेता है उसे घोषित करते हैं। तो भाई दोनों गाड़ियाँ आ चुकी है, तो एक बार पूछते हैं कितनी स्पीड तक मुकाबला हो गया था। अभिषेक कितनी स्पीड तक मुकाबला कर लिया था थार ने? मतलब
60 के अराउंड जो है चली थी, फिर 80 के अबव जो है ये आगे हो गई, नेक्सॉन जीत गई थी। आखिरी में अगर 100 मीटर में करे तो नेक्सॉन जीत गई। बिल्कुल बिल्कुल। साहिल भैया कितनी स्पीड तक मुकाबला हो गया था? एग्जैक्टली 60-70 के आसपास तक ये थार आ गई थी, उसके बाद भाई नेक्सॉन ईवी ने बाजी मार ली। पीछे तो लग रहा था बिल्कुल इक्वल है, बट आखिरी में तो फिर एकदम जाती है ये। हां मतलब इसकी अलग ही है, इसका जो 250 एनएम का टॉर्क है ना स्टार्टिंग से फील होता है। तो भाई स्पोर्ट्स ईवी का जमाना है, बाकी चलाने में ये भी बिल्कुल साइलेंट और फन है। बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये था आज कुछ हमारा ड्रैग रेस वर्सेस थार वर्सेस नेक्सॉन ईवी। इको मोड पे ये हार गई थी, बट स्पोर्ट्स मोड पे इसने भाई थार को भी पीछे छोड़ दिया, अपने 2000 सीसी के इंजन को इसने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। तो बस एक फन सा व्लॉग था, मज़ेदार वाला व्लॉग था, मैं थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाएगा। अगर ऐसा कोई ड्रैग रेस चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट करके बता देना, मैं ट्राई करूँगा ऐसा कुछ जो ड्रैग रेस है वो और ट्राई करूँ। तो मिलते हैं आप लोगों सीधे एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।